हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और नहा धो लिया है हमने और पूजा वगैरह कर ली है। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज तोरई, और मेरे पास हैं यहाँ पर ईशा और वर्षिता, और बाकी रिद्धिमा और मिष्टी चली गई हैं नानी के घर मामा के साथ। मेरी सिस्टर आ गई थी आगरा वाली, तो उसको लेकर के आया था मेरा छोटा भाई। छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों की, तो फिर आगरा वाली सिस्टर को लेकर के आया था मेरा छोटा भाई, और उनको लेकर के रिद्धिमा और मिष्टी भी उन्हीं के साथ चली गई हैं। यहीं होकर गई थी वो गाँव। तो फ्रेंड, मेरे पास अभी ईशा और वर्षिता रुक गई थी शाम को, तो अभी वो बच्चे भी नहा लिए हैं अपना। और नाश्ता मैंने कुछ भी बनाया नहीं है क्योंकि मैं सुबह ही हो रहा है अभी खाने की जब तैयारी कर रही हूँ जल्दी से। और ठाकुर जी को मैंने खरबूजे का भोग लगा दिया है काट करके, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे ईशा और वर्षिता दोनों जनी कि मम्मी अब हमें भी छोड़ के आओ गाँव जल्दी से, मौसी के पास, मौसी आई हैं तो उनके पास जाना है, गाँव छोड़ के आइए। तो अभी ये देखिए खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। तो मैंने बनाई है भरवा तोरी और बूंदी का रायता, और वर्षिता ने लगा दिया था भोग। और इतने में आ गए थे अभी ईशा के पापा, और वो आकर के बैठे ही थे। उनको लस्सी वगैरह देने के बाद मैं निकल आई हूँ यहाँ बच्चों, दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए गांव के लिए। तो उन्हें मैं बस लस्सी दे कर के ही आ गई हूँ, खाना बनाया ही थी मैं। तो वो बोल रहे थे चलो ठीक है इन दोनों को छोड़ के आ जाओ। तो ये देखिए, ये मैं आ चुकी हूँ अब गाँव। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं गांव। बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं नानी के घर पहुंचने के बाद। और ये देखिए, मेरी मम्मी लेटी हुई हैं यहाँ पर, और ये रिद्धिमा को देखिए कैसे चिपट गई है मेरे से, जाने कितने दिनों बाद मिले थे। और फिर मैं वहाँ से आ गई थी बच्चों को छोड़ करके, तो बच्चों को छोड़ करके मैं फिर वहाँ से घर आ गई थी थोड़ी बहुत देर बहन से मिल करके। और फिर ईशा के पापा थे ना यहाँ पर घर पर, तो फिर मैं आ गई थी फटाफट। और ये देखिए, आज है अगला दिन और आज है दशहरा। तो आज जो है घर पे त्यौहार मनाया जाता है, और मम्मी का फ़ोन आया था कि आप दोनों जने आ जाइए, खाना आपका यहीं पर है। तो मैं और ईशा के पापा दोनों निकल दिए हैं गाँव के लिए। और ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं घर पर। और ये बिट्टो क्या कर रही थी, माम माम बोल रही है राम राम को माम माम बोलती है। और ये देखिए, फ्लाइंग किस भी कर रही है, लेकिन आधी अधूरी फ्लाइंग किस कर रही है, ये शर्मा जाती है थोड़ा सा। और ये देखिए, ये खड़ी है मिष्टी, और मिष्टी कितना सारा काजल लगा रखा है। ये है मेरी आगरा वाली सिस्टर की बेटी, और उसके पास ये बेटा है, उसके पास एक बेटी और एक बेटा है। और ये देखिए, मम्मी लेटी हुई थी यहाँ पर और वर्षिता, और खाना खाने में लगे हुए थे। आज के दिन दशहरा के दिन पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ पर। और ये देखिए, ये मेरी दोनों बहनें लगी हुई हैं खाना बनाने के लिए। ये है मेरी आगरा वाली सिस्टर जो अभी अभी आई है दो दिन पहले, और ये है मेरी बड़ी दीदी, इनको तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये दोनों जनी मिलकर के खाना बनाने में लगी हुई हैं, और छोटी भाभी थोड़ा काम संभाल रही थी घर का, और बड़ी भाभी यहाँ पर हैं नहीं, वो अपने मायके गई हुई हैं, बच्चे भी गए हुए हैं। तो मेरी दोनों बहनें खाने वाने का संभाल रही थी। और ये देखिए, ये हम तीनों बहनें बैठ करके अब खाना खाने में लगे हुए हैं, मम्मी भी खाना खा रही हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब इकट्ठे हो जाती हैं बहनें, तो कब कब की बातें याद आ जाती हैं अपने बचपन की, हम लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, सब कुछ याद आ जाता है तो बहुत ही खाना खाते समय बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा, मन लगा। और दिन में आराम किया, फिर बहुत सारी बातें की, और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो फ्रेंड, शाम का टाइम, हम लोग खाना वाना खा करके बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। और ये देखिए, इसको कान्हा को देखिए कितना शैतानी कर रहा है। ये वर्षिता खाना खा रही है और उसके सिर पर स्टूल रखने के लिए लगा हुआ है, उसको तंग करना है किसी न किसी को, बहुत ही शैतान हो गया ये। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर आ गए थे सास ने